आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जिजाऊ। जय शिवराय। जय जिजाऊ। जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हम लोग बहुत ही पवित्र धरती पे और बहुत ही पवित्र अवसर पर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जीजा माता जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत दिल से बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीजा माता जी के आज जन्म स्थान पे आने का मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। जीजा माता जी एक बहुत बड़ी योद्धा थी, बहुत अच्छी शासक थी, लेकिन ये देश केवल महाराष्ट्र नहीं पूरा भारत देश जीजा माता का बहुत बहुत ऋणी है कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बहुत बड़े सपूत को, भारत के सपूत को जन्म दिया और उनको ऐसे संस्कार दिए। शिवाजी महाराज ने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए और अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते बिताया। आज इस पवित्र धरती पर आकर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। महाराष्ट्र ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की धरती है। हम सब लोग जानते हैं कि ज्योतिबा फुले ने जात पात को मिटाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने लोगों को शिक्षा देने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान किया। इस देश का सबसे पहला लड़कियों का स्कूल कहां बना था, किसने बनाया था? हम शुक्रगुजार हैं ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी के। देश का सबसे पहला लड़कियों का स्कूल 1 जनवरी 1848 में बना था। 1 जनवरी 1848 150 साल से भी ज्यादा पहले। हमें गर्व है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर। उन्होंने ये पहचाना कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, अगर राष्ट्र का निर्माण करना है, तो वो शिक्षा दिए बिना नहीं हो सकता। सबको सबसे पहले शिक्षा देनी पड़ेगी। इस देश का सबसे पहला दलितों के लिए स्कूल किसने बनाया था? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने स्कूल बनवाया था दलितों के लिए। मई 1848 के अंदर उन्होंने पहचाना कि असली राष्ट्र निर्माण तभी हो सकता है जब इस देश का बच्चा बच्चा, जब इस देश का हर दलित, जब इस देश की हर लड़की स्कूल में पढ़ेगी, तभी देश आगे बढ़ सकता है।
दोस्तों, आज उसी शिवाजी महाराज की धरती के ऊपर, आज उसी जीजा माता की धरती के ऊपर, आज उसी ज्योतिबा फुले जी की धरती के ऊपर, आज उसी सावित्रीबाई माता की धरती के ऊपर ये फडणवीस और भाजपा की सरकार महाराष्ट्र के अंदर स्कूलों को बंद करने जा रही है, हजारों स्कूल बंद करने जा रही है। मेरे को पता चला कि इन्होंने कई हजार स्कूल बंद कर दिए। मुझे पता चला इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, आने वाले 5 साल के अंदर इतने हजार स्कूल बंद कर देंगे। अगर अभी आसमान में ज्योतिबा फुले जी की आत्मा देख रही होगी तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। क्या इसीलिए महाराष्ट्र के लिए लड़े थे? क्या इसीलिए अपनी जान कुर्बान करी थी कि ये भाजपा वाले आके हमारे स्कूल बंद कर देंगे? ये फडणवीस साहब कहते हैं हमसे स्कूल नहीं चलाए जा रहे, इसलिए हम स्कूल कंपनियों को देंगे। जिस सरकार से स्कूल नहीं चलाए जा रहे वो अभी इस्तीफा दे दे, अभी के अभी इस्तीफा दे वो सरकार। जो सरकार स्कूल नहीं चला सकती वो सरकार क्या चलाएगी? जिस आदमी से, जिस पार्टी से स्कूल नहीं चलाए जाते वो सरकार नहीं चला सकते, वो सरकार चलाने नाकामयाब। स्कूल चलाना नहीं आता, मलाई खानी आती है। स्कूल नहीं चलाएंगे, मलाई मलाई खाएंगे। कह रहे कंपनियों को स्कूल देंगे, टाटा स्कूल चलाएगा, अंबानी स्कूल चलाएगा, तो सरकार भी टाटा अंबानी को दे दो, तुम्हारी सरकार भी टाटा अंबानी वाले चलाएंगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज के सपनों को कुचला है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले जी के सपनों को कुचला है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर सावित्रीबाई जी के सपनों को कुचला है। महाराष्ट्र के लोग इसका बदला लेंगे, इसको जाने नहीं देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। दिल्ली के अंदर 3 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। सरकारी स्कूलों में केवल गरीब लोग अपने बच्चों को भेजा करते थे, मजबूरी में भेजते थे, पैसे नहीं थे, सरकारी स्कूलों में भेजते थे। कोई आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता था 3 साल पहले। दोस्तों, आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 3 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्रांति कर दी है, काया पलट हो गया है दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। हमने एक भी स्कूल बंद नहीं किया, हमने 300 नए स्कूल बनाए हैं 3 साल के अंदर, 300 नए स्कूल। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बन रहे हैं, कभी सुना है सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल? इतने सारे पत्रकार बैठे हैं, कभी सुना सरकारी स्कूलों में? लिफ्टें लग रही हैं, लिफ्ट सरकारी स्कूलों में, लिफ्टें लग रही हैं, स्विमिंग पूल बन रहे हैं, जिम बन रहे हैं,
बड़े बड़े हॉकी के मैदान बन रहे हैं। और दोस्तों, इस साल सरकारी स्कूलों के, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से 10% ज्यादा आए हैं, 10%। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार शिवाजी महाराज के सपनों को पूरा कर रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ज्योतिबा फुले के सपनों को पूरा कर रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सावित्रीबाई फुले के सपनों को पूरा कर रही है। दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में हम लोग सरकारी स्कूल ठीक कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ठीक क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है कि नहीं कर सकती? भारतीय जनता पार्टी वाले महाराष्ट्र में कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है। महाराष्ट्र में इनके पास पैसे नहीं है, दिल्ली में हमारे पास पैसे कहां से आए? हमारे पास पैसे कहां से आए? दिल्ली सरकार का 40,000 करोड़ का बजट है, महाराष्ट्र सरकार का 3,00,000 करोड़ का बजट है। दिल्ली सरकार ने 40,000 करोड़ के बजट में सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 3,00,000 करोड़ रुपए में सरकारी स्कूल बेच रही है, सरकारी स्कूल बेच रही है। कहां गया सारा पैसा? सारा पैसा खा गए, सारा पैसा खा गए, महाराष्ट्र का सारा पैसा खा गए। दिल्ली में अब ईमानदार सरकार है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने भाजपा और कांग्रेस को लात मार के भगा दिया। दोनों पार्टियों को लात मार के भगा दिया और दिल्ली के लोगों ने तय किया कि अब किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, अब आम आदमी जाके सरकार बनाएगा। अब आम आदमी की सरकार है दिल्ली के अंदर। महाराष्ट्र में जब भी अब बात करो, केवल एक ही बात सुनने को मिलती है, घोटाला 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 घोटाला, हर तरफ घोटाला ही घोटाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कितनी फीस लेता है डॉक्टर? 500 रुपया, 300 रुपया। और अगर 4 बार जाना पड़ जाए और दवाई मिला के 2,000 रुपए का खर्चा एक बीमारी में आ जाता है, 2,000 रुपए का। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर 2,000 रुपए एक बीमारी के लिए कहां से लाएगा? और अगर आपको एक ऑपरेशन करवाना पड़ जाए तो कम से कम 2,00,000-3,00,000 रुपए का खर्चा आता कि नहीं आता है? एक आम आदमी 3,00,000 रुपए कहां से लाएगा? दोस्तों, दिल्ली में हमने सारी दिल्ली के लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर दिया, सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारा। अमीरों का भी, गरीबों का भी। दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में, दिल्ली सरकार के सारी अस्पतालों में सारा इलाज मुफ्त, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा ऑपरेशन मुफ्त। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अब ईमानदार सरकार है, क्योंकि दिल्ली में अब आम आदमी की सरकार है, आपकी सरकार है। दिल्ली में किसी पार्टी की सरकार नहीं है, सारी पार्टियों को लोगों ने लात मार के भगा दिया। दोस्तों
जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी, सबसे महंगी बिजली। आज 3 साल बाद मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर मिल रही है। अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, 400 यूनिट दिल्ली में आपका बिजली का खर्चा आता है 1280 रुपए, और अगर आप बॉम्बे में, मुंबई में 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का खर्चा आता है 4000 रुपए। 4000 क्यों? अगर हम दिल्ली में बिजली सस्ती कर सकते हैं तो क्या महाराष्ट्र में बिजली सस्ती नहीं हो सकती? महाराष्ट्र में बिजली महंगी क्यों है? क्योंकि ये लोग बिजली कंपनियों से मिले हुए हैं। दिल्ली में भी बीजेपी कांग्रेस की सरकारें बिजली कंपनियों से मिली हुई थी। हमारी सरकार बनी, हमने इन बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाया और आज दिल्ली में पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र के लोगों को सस्ती बिजली चाहिए? क्या दिल्ली की तरह आपको सस्ती बिजली चाहिए? मुझे बेहद दुख होता है, शिवाजी महाराज की धरती के ऊपर आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान रो रहे हैं, खून का आंसू बहा रहे हैं, और भाजपा सरकार को कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। कुछ किया इन लोगों ने किसानों के लिए? जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, 3 महीने बाद, मेरे मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद दिल्ली में बारिश हो गई, बेमौसम बारिश। हमारे किसान आए मेरे पास, बोले अरविंद जी बारिश हो गई, फसलें खराब हो गई। मैं उनके साथ दौड़ा दौड़ा उनके गांव में गया, 10-15 गांव में घूमा और मैंने देखा उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो सबसे पहला धर्म बनता है मुख्यमंत्री का कि उनकी मदद करे। हमने अपने किसानों को 50,000 रुपए, 50,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया और 3 महीने के अंदर सबको चेक दिलवा दिए। दोस्तों, किसानों का एक ही लाल केजरीवाल, केजरीवाल। किसानों का एक ही लाल केजरीवाल, केजरीवाल। किसानों का एक ही लाल केजरीवाल, केजरीवाल। मुझे बताया गया है, आजाद भारत में पिछले 70 साल में आज तक किसी भी सरकार ने इतना मुआवजा अपने किसानों को कभी नहीं दिया। 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, क्योंकि आम आदमी की सरकार अपने किसानों का ख्याल रखती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, लेकिन वो मुकर गए। मैं पूरे देश के किसानों को आह्वान करना चाहता हूं कि ये पार्टियां स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं करने जा रही। अब हम सबको इकट्ठे होके इस देश के किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा और स्वामीनाथन आयोग लागू करा के रहना पड़ेगा। दोस्तों, शिवाजी महाराज ने सारी जाति के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। ज्योतिबा फुले ने सारी जाति और सारे धर्म के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने प्यार और मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया। मुझे बड़ी दुख हुआ कि भीम कोरागांव में दलितों के ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने पथराव किया और हिंसा की, इसकी हम को घनी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी
दंगे कराने वाली पार्टी है। पूरे देश के अंदर कभी ये हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाती है, कभी ये जाटों को नॉन जाट से लड़ाती है, कभी ये इस जात को उस जात से लड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही धर्म है, दंगे कराओ और राज करो। दोस्तों, एक भाजपा वाला मिला, मैंने उससे पूछा कि 3 साल में क्या काम किया तुम्हारी सरकार ने 3.5 साल में। कहता है हमें काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहता है 2019 के पहले दंगे करा देंगे हिंदुओं मुसलमानों के, जीत जाएंगे हम लोग। इन्होंने फॉर्मूला बना लिया, दंगे कराओ राज करो। अब आप लोगों को तय करना है, आपको दंगे चाहिए कि रोटी चाहिए, आपको दंगे चाहिए कि स्कूल चाहिए, आपको दंगे चाहिए कि अस्पताल चाहिए, आपको दंगे चाहिए कि रोजगार चाहिए। अगर आपको दंग चाहिए तो बीजेपी को वोट दे देना, और अगर आपको रोजगार चाहिए, स्कूल चाहिए, अगर आपको दवाइयां चाहिए, अगर आपको अस्पताल चाहिए, तो सारे जने इकट्ठे हो जाओ, इस बार सारी पार्टियों को लात मार के भगा देना। मैं सोच रहा था आवाज थोड़ी बढ़ाई। हेलो दोस्तों, हमारे देश पे 150-200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। कितने अंग्रेज थे? कोई कहता है 60,000, कोई कहता है 70,000। 60,000 अंग्रेजों ने 30 करोड़ लोगों पे राज किया। कभी सोचा कैसे राज किया? अगर ये 30 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाते तो 2 मिनट के अंदर अंग्रेजों को उठा के हम भगा सकते थे। 60,000 अंग्रेजों ने 30 करोड़ लोगों पे कैसे राज किया? डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दिया, इस जात को उस जात से लड़ा दिया, हम आपस में लड़ते रहे और वो हमारे ऊपर राज करते रहे। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन देश के 2 टुकड़े हो गए, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान। हिंदुस्तान एक बना। पिछले 70 साल से पाकिस्तान सपने देख रहा है कि हिंदुस्तान को कमजोर करो, हिंदुस्तान को कमजोर करो। 70 साल से पाकिस्तान सपने देख रहा है हिंदुस्तान को बांटो, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, इस जात को उस जात से लड़ाओ। जो 70 साल में पाकिस्तान नहीं कर पाया, 3 साल में बीजेपी वालों ने करके दिखा दिया। 3 साल में बीजेपी ने देश में हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दिया, इस जात को उस जात से लड़ा दिया, इसको उससे लड़ा दिया, इसको मरवा दिया, दलितों को कुचल दिया। जो काम पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर पाया, भारतीय जनता पार्टी वालों ने 3 साल में पाकिस्तान के सपने पूरे कर दिए। दोस्त, बीजेपी वाले देशद्रोही हैं, बीजेपी गद्दारों की पार्टी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक परिवार में एक मां है, उसके 2 बेटे हैं, वो दोनों बेटे आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। एक दूसरा परिवार है, उसमें भी 2 बेटे हैं, वो बहुत खुश, एक साथ घुल मिल के रहते हैं, एक साथ व्यापार करते हैं, गले लगा के रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि
परिवार में बरकत होगी, लड़ने वाले में या खुशी वाले परिवार में? किस परिवार में खुशी होगी, लड़ने वाले परिवार में या भाईचारे वाले परिवार में? दोस्तों, हमारी भारत मां के भी चार बेटे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। भारत मां कभी खुश नहीं हो सकती अगर उसके बेटे लड़ेंगे तो। भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता अगर उसके बेटे लड़ेंगे तो। अगर हमें अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, अगर हमें अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अगर हमें अपने लिए अस्पताल चाहिए, तो दोस्तों सबको मिलकर रहना पड़ेगा। ये बीजेपी वाले केवल और केवल सत्ता के लिए हमें लड़ाना चाहते हैं। अगर बीजेपी का बस चले तो ये 21वीं सदी के भारत को 19वीं सदी के अंदर ले जाए। दोस्तों, आज हम अब सब लोगों को शिवाजी महाराज के सपनों को पूरा करना, आज हम सब लोगों को शिवाजी महाराज के सपनों को पूरा करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि दलितों का उत्थान तभी हो पाएगा जब सब लोगों को शिक्षा मिलेगी। दोस्तों, हमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना है। हमें एक एक बच्चे को शिक्षा देनी है। इस देश के अंदर ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित करनी है कि चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा के बाद सबको रोजगार मिलना चाहिए। दोस्तों, ऐसे भारत की स्थापना करनी है। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, ये लड़ाई केजरीवाल की लड़ाई नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, ये आप लोगों की लड़ाई, आपके बच्चों की लड़ाई, आपके परिवार की लड़ाई है। यह आपको लड़नी पड़ेगी। अगर आप लोग इस बात से सहमत हो कि इस देश को दंगे नहीं चाहिए, इस देश को शिक्षा चाहिए, अगर आप इस बात से सहमत हो कि इस देश को दंगे नहीं चाहिए, इस देश को अस्पताल चाहिए, तो मैं महाराष्ट्र के युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं। सभी युवाओं को आगे आना पड़ेगा। हर गांव के अंदर युवाओं को अपना क्लब बनाना पड़ेगा। हर गांव के अंदर युवाओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। और इस बार हम लोगों को यह ठाननी पड़ेगी कि जैसे दिल्ली के लोगों ने सारी पार्टियों को लात मार के भगाया, महाराष्ट्र के अंदर भी